नमस्कार सिद्धार्थ तथा कला साहित्य संस्थान इटावा बाजार सिद्धार्थ नगर तेरह नवंबर 2022 शाम पाँच बजे को शर्मा हेम्योपैथिक चिकित्सालय एंड रिसर्च सेंटर इटावा में एक भव्य और सभ्य कार्यक्रम हुआ जिसमें छियालीस जन को सम्मानित किया गया उनमें से आमंत्रित सम्मानित साहित्यकार एवं अतिथिगण थे श्री छत्रपति फुएल भूटान सुश्री प्रतिभा चौहान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालंदा बिहार डॉक्टर कमला तामंग पूर्व चेयरमैन मेरिक दार्जिलिंग डॉक्टर दीपक पांडे सहायक केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली डॉक्टर नूतन पांडे सहायक केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली डाक्टर रघुवीर शर्मा सहायक निदेशक राजभाषा दिल्ली श्री अशोक कुमार वर्मा सेवानिवृत्त आईपीएस लखनऊ डॉक्टर सुरेन आजाला उजाला पूर्व उपनिदेशक सूचना विभाग लखनऊ डॉक्टर सूर्य प्रसाद लाकोजी संपादक अक्षर मार्ग नेपाल डॉक्टर हरिमोहन पोखरेल नागालैंड श्री युवा बराल सिक्किम श्री प्रीतम शहा सिक्किम सुश्री अप्सरा दहाल सिक्किम सुश्री इंदु उत्तर प्रदेश सुश्री नाजू हतिका कोती बरुआ असम श्री सविता दास असम सुश्री मधुगुप्ता महाराष्ट्र सुश्री आशा गुप्ता आंशु अंडमान सुश्री ममता अर्सी कर्नाटक श्री पंकज कुमार पांडे बिहार श्री रमेश जंग नेपाल, रामसुंदर देवजा नेपाल श्री ध्रुव मधिकर्मी नेपाल श्री सूर्य कृति बेंगलुरु का सुश्री रश्मि नेपाल श्री गोविंद घिमिरी देवमणि नेपाल रंजना निरोला जी काठमांडू डॉक्टर ठाकुर प्रसाद चौबे संपादक परिंदी दिल्ली डॉक्टर शिवनंद शिव आनंद तिवारी संचालक एआर पब्लिशिंग कंपनी दिल्ली श्री सुशांत नंदी इस्लाम इस्लामपुर श्री मुकेश कुमार ठाकुर कालिम्पोङ शिला लामा मिरिक दार्जिलिङ डाक्टर साङ्मु लेप्चा दार्जिलिङ डाक्टर गीता छेत्री दार्जिलिङ निराज सुब्बा नेचाली तिनधारे दार्जिलिङ लतिका जोशी सिलगढी नीता तामाङ बिजनबारी दार्जिलिङ ललिता जोशी छेत्री सिलगढी नरेश कटुवाल सोनादा दार्जिलिङ जोगेन्द्र धर्नाल सोनादा दार्जिलिङ पार्वती मोक्तान मिरिक दार्जिलिङ नहेश हसन लखनऊ डॉक्टर अवंतिका सिंह लखनऊ सुशीलापुरी पुरी सि, सिद्धार्थ नगर गोविंदलाल मौर्य सिद्धार्थ नगर बेलाल अहमद सिद्धार्थ नगर आप सभी सम्मानित हुए सिद्धार्थ नगर यह तथागत सिद्धार्थ नगर तथागत कला साहित्य संस्थान से ये संस्थान हर साल ये सम्मान कार्यक्रम रखते हैं दो चरणों में और एक प्राइज मनी के साथ सम्मान और एक सम्मान और सम्मान में भी वो कैटेगरी रहता है जैसे कि एक साल कोई सम्मानित हुए और उनका काम और बढ़ता गया आगे तो उनको फिर थोड़ा अपग्रेड करके दूसरा सम्मान देते हैं तो इस तरह से यह साहित्यिक संस्थान कला साहित्य के क्षेत्र में संस्कृति के क्षेत्र में सभी को सम्मानित करके उन लोगों को हौसला बुलंद कर देते हैं तो कार्यक्रम सभ्य और भव्य हुआ इसमें कविता गोष्ठी भी रखी गई थी एक ही सत्र में सम्मान कार्यक्रम साथ साथ कवि गोष्ठी और विचार मंचन हुआ सभी खुश थे और आयोजक प्रायोजक उन लोगों को हमारी तरफ से बधाइयां डॉक्टर राजेंद्र परदेसी जी साथ में डॉक्टर भास्कर शर्मा जी और सचिव महोदया तथा तो कार्यकारी कार्यकारिणी सभी साथ साथ मिरी का कोऑर्डिनेटर थी डॉक्टर कमला तो इन्हीं लोगों के सौजन्य में ये सब कार्यक्रम सम्पन्न हुआ तो कार्यक्रम में सम्मानित सभी कोई उपस्थित नहीं थे लेकिन बहुत उपस्थित थे फोर्टी में कम से कम तीस चालीस जन आ, सम्मानित व्यक्तित्व वहाँ उपस्थित थे और ये कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से पिरोया गया था सजाया गया था तो हम लोग जो भी गए थे उन सभी को इस कार्यक्रम में साहित्य रस करने का मौका मिला तो इसीलिए हम तहे दिल से इस संस्था को बधाई देना चाहते और हम सभी साधुवात देना चाहते हैं तो इस तरह से हर एक साल ये कार्यक्रम होती है और भारतवर्ष से ही नहीं बाहर देशों से भी आए हुए साहित्यकारों जो हिंदी भाषा में कार्यरत है साथ साथ ही में हिंदी भाषा का साथ साथ में नेपाली बंगाली आसामीस अन्य भाषा और डोगरी आदि आदि भारतवर्ष का जितने भी भाषा हैं और भारतवर्ष से बाहर डायस्पोरा में जो हिंदी साहित्य में काम कर रहे हैं उन सभी को यहाँ एक माला में पिरों के जितना भी मंतव्य था एक दूसरे में साझा करने का मौका मिलता है तो इससे क्या होता है कि हम भारतवासी होके ये राजकीय भाषा हिंदी भाषा को बढ़ावा देने में हम सभी कोशिश करते रहते हैं और भारतवर्ष और ये भारत का राजभाषा हिंदी भाषा इसका साथ साथ अन्य भाषाएं हैं जो उन भाषाओं के कवि लेखक आदि सबको सम्मानित करते आ रहे हैं ये संस्थान